हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी मेरी चाय का टाइम हो गया है। नहा के पूजा वगैरह कर दिया है, सारा कुछ हो गया है, बच्चे भी स्कूल चले गए, अभी जा रही हूँ चाय पीने। चाय और ये चने ऐसे भिगो के रखती हूँ, कोई भी खाता नहीं है, तो मैं इनको इस तरह बनाते हैं तो सभी को ज़्यादा ही पसंद आते हैं, तो फिर मैंने ऐसे बना लिया है। तो चलते हैं, खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और बताते हैं मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लेती हूँ। अपना चेहरा दिखाओ, इधर पंती, इधर चेहरा दिखावा के। अब जगाओ, उठावा के। दीदी उठ, मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा है। अच्छा दीदी, मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा है। दोस्तों, जब हो जाऊंगी और तब मुझे डांस आएगी, और अभी मैं छोटी हूँ कितनी बड़ी हो जाओगी तो डांस सीखोगी? दीदी से मक्की हो जाएंगे। कितना होगी तुम? जब हमारा बर्थडे तक होगी। तब तक बड़ी हो जाओगी? नहीं, जब हमारे बर्थडे नहीं होगा तब तक मैं बड़ी नहीं होगा। तो बर्थडे कब है? दीदी का बर्थडे कब है? उसका है 14 सितंबर को। नहीं दीदी का बुला, दीदी से बुला लेना। नहीं नहीं, तो तुम्हारा बर्थडे है ना, अपना तो बता। या दीदी की उतनी होगी? बड़ी हो रही हूँ मैं। अच्छा, तुम बड़ी हो रही हो? हाँ। तभी होगा तुम्हारा बर्थडे? हाँ। और कब, ये नहीं बता रही हो? और हमारा बच्चे जब 3 साल की हो जाऊंगी, जब मैं दीदी से लक्की हो जाऊंगी, और तब है हम दीदी से लक्की होंगे, हमारा बर्थडे होगा, तब बर्थडे में सबको बुलाऊंगी, और मुझसे क्या लोगी गिफ्ट? हम लेंगे तुमसे वो वाली गाड़ी, और दीदी से लेंगे हम ये। अच्छा, ये दीदी से लेंगे हम खिलौने। अच्छा, तुम्हारा बर्थडे कब है? अपना बर्थडे के बारे में बताओ कुछ। इतनी बड़ी हो जाऊंगी तब। तो कब होगी? बड़ी हो जाऊंगी तब मेरा बर्थडे होगा। आपको यही बताऊं? बोलो। नहीं पता। अरे कैसे कर रही थी अभी जैसे? ओ, क्या हुआ? लाइट चली गई। कैसे जाती है लाइट? देखो तुमने मम्मा हमारी कितनों काटा था ना, विंकी मैंने कितनों टॉफी खोली, और इसलिए लाइट विंकी पर जादू आ गया, इसलिए लाइट वो बंद कर देंगे। अच्छा, क्यों? लाइट वाले अब वो कितनों कितनों ने क्या खा लिया? मैंने इनकी कितनों की टॉफी, इसलिए लाइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे ही कैमरा खोली हूँ वीडियो बनाने के लिए, और लाइट तुरंत चली गई है, तो क्या कर सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बैठे हैं क्योंकि बाहर शूट नहीं कर सकते, बच्चे आवाज़ क्या करते हैं, तो मैंने कहा अंदर से ही वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ लगता ही नहीं ब्लॉग नहीं बना है। और फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कर सकते हैं, मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से धूप थी लेकिन अभी मौसम ख़राब है, कुछ भी नहीं कह सकते, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, नहीं तो करते नहीं हैं तो पता ही नहीं चलता। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोग फुल वॉच किया करिए, क्योंकि इस समय मैं लाइव कर रही थी, तो लाइव तो मैं करूँगी कभी कभी, लाइव यानी कि एक दिन जैसे लाइव करूँगी तो एक दिन मेरा वीडियो आएगा, तो आप सभी लोग फ्रेंड्स जरूर फुल वॉच करिएगा, क्योंकि फुल वॉच की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, अंदर से शूट करना बहुत ज़्यादा, यानी गर्मी तो इतनी हो ही रही है, और अंदर से मैं वीडियो बनाती हूँ तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है, यानी रूम के अंदर से वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलते हैं बाहर। और अभी सिलाई मशीन 2 साल के बाद मेरी 2-3 दिन हुए हैं सिलाई मशीन सही हुई, तो मैं उसको बाहर ही निकाली हूँ, जब मुझे टाइम लगता है तो मैं उसको चला देती हूँ, क्योंकि सिलाई मशीन बनाने वाले ने बोला था कि इसको रेगुलर चलाना, यानी रेगुलर नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो निकालना ही निकालना, तो मैंने अभी उसको अंदर रखा ही नहीं, क्योंकि अंदर रखेंगे तो फिर चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी 3-4-5 महीने रखी रहती थी, इसकी वजह से बहुत जल्दी जाम पड़ जाती थी, तो इसलिए मैंने कहा इसको बाहर ही रखेंगे, फटे पुराने जो कपड़े होंगे सिलने लायक तो उनको सिला करेंगे, तो वही रखिए। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मशीन, बहुत दिनों बाद बनी है तो अच्छा भी लगता है, सिलाई भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो कर ही नहीं पाते। और पसीने देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा बाहर निकले तो पसीना दिख रहा है, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पसीना है। सगुन अभी सो रही है,
और फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैं वीडियो बना रही थी और ये लड़की देख सकते हैं कैसे छुपी है इतनी देर से। और इसने कहा था मैं जा रही हूँ, तुम तो बोली थी जा रहे बंटी। फिर से जाके फिर से आए। अभी आई हो? तुरंत दरवाजा कैसे खोल लिया? धीरे से खोल ली। जा रहे थे तब खोल लिया। और फिर जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी तो तुम सुन रही थी क्या? हाँ। क्या बोल रही थी मैं क्या बोल रही थी बताओ? थोड़ी देर पे नहीं सुनी थी तब सुन ली थी। तब सुनी थी। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी मैं दिखाती हूँ अपनी सिलाई मशीन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई मशीन, ये कैंची का मेरा ये टूट गया है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरी बनी हुई है। ये देखो अब मैं इसकी सिलाई यानी अब करती रहती हूँ रेगुलर। बहुत पुरानी मशीन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैं बहुत छोटी थी तब की है। नहीं बनाना, नहीं कुछ करना नहीं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं ऐसे ही बाहर रखी रहती है और ऐसे ही मैं एक दो सिल लेती हूँ क्योंकि लाइट चली जाती है तो बाहर ऐसे आते हैं तो बाहर हवा थोड़ी बहुत लगती है तो यहीं पे सिलाई कर लेते हैं। और इसको भी ढक के रख देंगे इस तौलिए से, इसे मैं बंद कर देती हूँ ऐसे ही। तो देख सकते हैं क्या हुआ बंटी, तो ऐसे बंद कर देंगे क्योंकि इसका कवर नहीं है, ये नहीं खोल पाओगी। तो अभी जो भी कपड़े होंगे सिलाना पड़ता था, अब मैं खुद ही कर लूँगी। चलो बंटी उठो। अच्छा तुम नहीं बना पाओगी, भी छोटी हो। बोलो इधर देखो। हाँ बोलो कुछ। दोस्तों आपको मैं कुछ चीज दिखाऊं? दिखाओ। ये जो पेड़ है और वो पेड़ थोड़ा यहाँ पर गड्ढा लग रहा है क्योंकि इस पे ये लगा हुआ और लक नहीं है, इसी वाले पे वो लक वो है और इस लकड़ी में थोड़ी पंखे लगे हुए। ये सब पत्तियां जो है उनका रंग भी सब हटाना पड़ेगा। अच्छा फिर कौन कौन सी पत्ती हटाओगी? फिनिश कर दिया। हाँ। तो फिर क्या किया? तो मैंने पिज्जा बनाया था, वो कितना बहुत यम्मी, बहुत सारे। और तभी कैसे बनाया था पिज्जा? पहले हमने बहुत सारी चीजें, तेल, चावल, चावल नहीं पिज्जा और नमक। हाँ। तेल नहीं, नमक और वो दाल, उसी से हमने पहले पानी लिया, पानी पीला, फिर कुरकुरा दिया और बस और कुरकुरा बताओ। पिज्जा फिर किस किसने खाया था? और मम्मा ने और हम। अच्छा बना था? हाँ बहुत यम्मी। हमको तो नहीं खिलाया। तो फ्रेंड्स अभी मैं शाम की झाड़ू लगा के आई हूँ और शाम की झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीने पसीने हो गए। थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठूंगी तो सही रहेगा। तो झाड़ू मैंने लगा दिया है और अभी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, जाते हैं बर्तन उनको धुलते हैं, बर्तन धुल लेते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाना होगा। क्या बनाएंगे मुझे सुन लेते हैं। दाल चावल बनाना होगा, सिंपल से बनाएंगे क्योंकि सुबह सब्जी चावल रोटी बनाई थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ दाल चावल ही बना देंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा आराम करते हैं, यदि पसीना जो निकला है उसको सुखाते हैं और उसके बाद जो है बर्तन साफ करते हैं, फिर चाय बनाएंगे और फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ क्योंकि इतने बड़े घर में झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर कभी हमेशा ही शाम को नहीं लगाती हूँ। और आज था बृहस्पतिवार तो बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाते हैं, फिर उस वजह से ज़्यादा ही घर गंदा हो जाता है, तो मैंने कहा लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स बर्तन धुल लिए हैं, देख सकते हैं मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। ये पहले के भी बर्तन थे और ये अभी मैं धुल के लाई हूँ तो यहीं पर रख देती हूँ, यहीं पर रख दिया है। अभी जाती हूँ मैं चाय बनाने, तो चलते हैं।
क्योंकि गर्मी हो रही, थोड़ा जल्दी बना देते हैं। गर्मी के समय जल्दी बना देती हूँ क्योंकि छत पे जाना होता है, नीचे बहुत ज़्यादा उमस निकलती है। इतना ज़्यादा घर पे कुछ कहने की बात नहीं तो शाम को लगता है कि छत पे ही चले जाएँ, तो जल्दी से खाना बना लेते हैं, छत पे जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, ये देख सकते हैं मेरा पसीना ही पसीना टपक रहा है। देखिए इतना ज़्यादा पसीना, ये देखिए आपको लग रहा होगा, तो इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है कुछ कहने की बात नहीं। तो सारा खाना मैंने सारे एक जगह रख दिया है, जितने बर्तन यानी धुलने वाले थे उनको भी हटा दिया है। तो ऊपर जाते हैं छत पे, थोड़ा सा बैठते हैं ठंडी हवा में, रेस्ट करते हैं और फिर जो आएंगे बच्चों को खाना देंगे, फिर बर्तन वगैरह साफ करेंगे जो भी करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शाम का खाना तो बन गया, चलते हैं छत पे आराम करते हैं।